हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। छोले को अक्सर क्या किया जाता है कि अलग से उबाला जाता है प्रेशर कुकर में, उसके बाद मसालों का प्रोसेसिंग अलग से किया जाता है, लेकिन आज मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ। प्रोसेसिंग दोनों अलग अलग से ना करके एक साथ करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए हमने ये सफ़ेद वाले चने लिया है, इसको काबुली चने भी बोलते हैं। रात भर पानी में भिगो के रखा था और फिर अभी धोकर ले लेंगे। देखिए अच्छे से फूलकर तैयार हो चुका है। यह मैंने गैस पर प्रेशर कुकर बिठाया है, तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया तो हम ये दो तेज पत्ते तोड़ के डालेंगे और थोड़ा सा जीरे डालेंगे। आधे छोटे चम्मच जितने जीरे हैं अच्छे से चटकने देते हैं। देखिए जीरे और तेज पत्ते भून चुके हैं। अब हम प्याज डालेंगे। एक बड़ा साइज का प्याज है जो बारीक काट के रखा था, डाल देंगे। अच्छे से भूनना है, अच्छा सा लाल कलर आने तक। प्याज लाल हो चुका है। अभी एक इंच अदरक का टुकड़ा और एक छोटा साइज का लहसुन कूट के रखा था वो डाल दिया है मैंने। इसको भी अच्छे से भून लेना है अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाने तक। उसके बाद ये देखिए दो मीडियम साइज़ का टमाटर प्यूरी बना के रखा है मिक्सर में, डाल दिया है मैंने। इसके साथ साथ मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। इसके साथ साथ हमें डालना है सूखे मसाले। देखिए आधी छोटी चम्मच हल्दी और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और अपने स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और डालना है जो कि है गरम मसाला। मेरे पास घर पर बना शाही गरम मसाला है, एक तिहाई छोटी चम्मच डाल दूंगी मैं। अगर आपको बाज़ार का नॉर्मल वाला गरम मसाला यूज़ करना है तो एक छोटी चम्मच यूज़ करना है, और अगर शाही गरम मसाला हो तो इतना ही यूज़ करें। इसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसको ढककर दो तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। देखिए तीन मिनट हो चुका है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। नीचे से थोड़ा सा चिपक रहा है। तेल मैंने ज़्यादा डाला नहीं है इसलिए साइड से तेल नहीं दिख रहा है, लेकिन मसाले पक चुके हैं। देखिए सॉसी टेक्सचर में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो भिगे हुए छोले हैं मतलब कि काबुली चने, ये डाल देंगे। साथ साथ डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ साथ हमें पानी डालना है। अभी तो मैं दो कप जितना पानी डाल रही हूँ। कुक होने के बाद अगर और चाहिए तो बाद में, मतलब कि प्रेशर कुक होने के बाद भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर पहली सीटी आने देंगे। देखिए पहली सीटी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल लो, और 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद करके सीटी को खुद ब खुद निकलने देंगे। उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे। देखिए सीटी निकल गई है खुद ब खुद। अभी हम ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए छोले का टेक्सचर देखिए बिल्कुल सही है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। एक छोला लेकर चेक करके देखते हैं कि अच्छे से गला है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अभी हम गैस को वापस चालू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि और थोड़ा सा पानी चाहिए तो यहाँ पर और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मुझे और नहीं डालना है। और निकालने से पहले मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाला है, फ्रेश हरा धनिया। मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा उबाल आने देंगे। देखिए हमारे छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं, मतलब कि हीट बंद करके इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कितने फटाफट बनाए हैं हमने छोले, और स्वाद में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है। आप भी इस तरह से छोले बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको आप पूरी के साथ, भटूरे के साथ या तो नॉर्मल रोटी के साथ भी खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार है। आज तो मैं सिंपली रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।